नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। महाबलीपुरम चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण की ओर सागर तट पर स्थित महाबलीपुरम अपने प्राचीन मंदिरों और स्थापत्य कला के वैभव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पल्लव वंश के राजाओं ने अपने शासनकाल सन 600 से 700 ईस्वी में यहाँ कलात्मक मंदिरों और गुफाओं का निर्माण कराया। बहुत पहले से विशेषकर पल्लव राजाओं के समय में आपसी विवाद का फैसला मल्ल युद्ध द्वारा भी किया जाता था। अतएव पुरुष वर्ग शारीरिक शक्ति बनाए रखना चाहता था, जिसके लिए अभ्यास एवं पूजा अर्चना की जाती थी। मुकाबलों के बाद राजा विजय समारोहों का आयोजन करता था, साथ ही विजय को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए मंदिरों, मूर्तियों तथा गुफाओं का निर्माण भी करवाता था। महाबलीपुरम का प्राचीन तमिल नाम मामल्लापुरम भी है, जिसका अर्थ है बलवान और पराक्रमी मल्लों की नगरी। ऐसे प्राचीन वैभव के गौरवपूर्ण अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं, जिसकी स्थापत्य कला को देखकर इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले कारीगरों का केवल लोहे की छेनी और हथौड़े की सहायता से कठोर ग्रेनाइट पत्थरों को तराशकर सजीव दिखने वाली मूर्तियां बनाना सचमुच आश्चर्यजनक है। ऐसे कलापूर्ण निर्माण को देखकर बरबस कारीगरों की सराहना करनी पड़ती है। पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया सबसे महत्वपूर्ण मंदिर सागर तट पर स्थित है। बिल्कुल समुद्र के किनारे बने इस मंदिर की दीवारों से बंगाल की खाड़ी की नीली फेनिल लहरें टकराकर सफ़ेद झाग उगलती रहती हैं। एक छोटी पहाड़ी को तराशकर बनाया गया सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर खड़ा है, जो कि दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में शेषशायी विष्णु की प्रतिमा तथा दूसरे में शिवलिंग स्थापित है। समय की उथल पुथल के कारण अब इस मंदिर के केवल अवशेष ही बचे हैं, फिर भी गौरवपूर्ण अतीत के लिए यह वंदनीय है, जहां दूर दूर से प्रतिदिन हजारों यात्री इसके दर्शन के लिए आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। महाबलीपुरम में ही सागर से कुछ दूरी पर छोटी सी पहाड़ी ढाल को तराशकर उस पर अनेक देवी देवताओं और जीव जंतुओं की प्रतिमाएं खोदी गई हैं। प्रस्तर भित्ति पर खुदाई से निर्मित यह संसार का सबसे विशाल शिल्पखंड है। इसमें गंगा का अवतरण दर्शाया गया है। इसी प्रकार के विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।